रखे हुए हैं और आज तक की जब हम पूजा करते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति हमें जरूर आए और उस ऊर्जा का संचार हमें हमेशा होता रहे। हम ये ना भूलें कि बल अपनी शक्ति अपनी बुद्धि और अपने कह सकते वीरता से हमेशा हम सभी को प्रेरणा का स्रोत बनती रही है। बस आवश्यकता ये है कि आज हम महिलाएं जब तक हम सामर्थ्यवान रहेंगे जब तक हम शक्तिशाली रहेंगे तब तक कोई हमारे ऊपर कहीं से भी आंख नहीं उठाएगा। जिस दिन हम में ये भावना आई ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि जरूर है और वो क्यों है इस उद्देश्य को जरूर पाना है और उस भावना को खुद को स्वयं को जरूर आप सर्व सत्य प्रतिष्ठित अर्थात सत्य से पृथ्वी का धारण होता है सत्य से सूर्य तपता है सत्य देता है सब कुछ हम देते कुछ देना सीखे सूरज हमें रोशनी देता हवा नया जीवन देती है धूप मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है और हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे देश हमें देता है सब कुछ हम देता कुछ। जैसा कि आप सब मातृशक्तियाँ गोपी देविया हमारी बहनें आज हम सब उपस्थित हुए हैं इस प्रांगण में महाराज जी के मार्गदर्शन में एक दूसरे का साथ देते हुए मातृशक्ति को आज हमने 9 दिन तक अपने घर में रखा पूजा किया 9 शक्तियों के बारे में हमने जाना तो आज हम सब मिल करके शस्त्र पूजन की ईश्वर को धन्यवाद किया और साथ में आप सबको भी कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी आई और इस पूजन में हम सब के साथ मिल करके भागीदारी दिया और होकर के एक दूसरे का हाथ थामे और अपनी बच्चियों को एक अच्छा मार्गदर्शन करके एक अच्छा भविष्य बनाने में उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ जय भारत जय माँ भारती। Thank you.